शरीर माध्यम खलु धर्म सा, सब साधन के लिए सबसे पहले शरीर, और शरीर को ठीक रखने के लिए इसीलिए कहते थे लोग उपवास वगैरह क्यों करते थे, क्यों खा खा के पेट को इतना तंग कर दिया है, और वो पेट दिमाग को तंग करता है फिर बाद में। तो इस्लाम में भी, क्रिश्चियनिटी में भी, सब जगह फास्टिंग का क्या है, क्यों है, ताकि शरीर से आम दूर हो जाए। जो आम बन जाता है आमा, ये दूर हो जाए, इसको हटाने के लिए करते हैं, शरीर शुद्धि के लिए उपवास चाहे, मगर वो भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जिस जो पित्त प्रकृति वाले उपवास करें और पित्त चढ़ जाएगा, गर्मी चढ़ जाएगी और तकलीफ होने लगेगी। इसलिए तो अपना प्रकृति देखकर क्या सही है वो वैसे भोजन करना, वैसे उपवास करना चाहिए। अक्सर ये उपवास करते हैं ना लोग, दिन भर उपवास रखे, रात को खूब सारे खा लेना, बहुत गलत है, बहुत ही गलत। रात को हल्का रखना चाहिए, ये सब समझना चाहिए। कुछ ना कुछ खाओ, कम खाए, सुपाच्य भोजन करें, वो भी उपवास के लिए मदद करेगा।